नेवर। अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। जानती हैं आप, आपका सो कॉल्ड दामाद एक मिडिल क्लास लड़की के इश्क में पागल है। तुम्हें ऑब्जेक्शन किस बात पे? सोहेब के अफेयर पे या उस लड़की के मिडिल क्लास होने पर? मॉम प्लीज नॉन सीरियस बात मत करें। चलो सीरियस बात कर लेते हैं। सोहेब के कितने अफेयर्स हैं और किस किस क्लास की लड़की के साथ है, तुम्हें इन सब बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। तुम्हारे लिए सिर्फ ये बात अहम हो कि तुम जोएब की बीवी हो। आप कहना क्या चाह रही हैं? आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे शौहर का किसी के साथ भी अफेयर हो, मुझे इस बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए? तुम्हारे भी तो कितने अफेयर्स थे, और तुमने अपने शौहर को कौन सी अहमियत दी है? मेरी बात अलग है, मैं वेस्ट में रहती थी और जोएब तो यहीं पे रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ रहता है और क्या करता है। जोएब भी बहुत साल बाहर आए, वहीं पढ़ा है। जोएब ने अगर शादी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपने कैलिबर के बराबर समझा है। पर वो मेरे कैलिबर का नहीं है। कभी अपने बारे में सोचा है? 6 रातें तुम यहाँ गुजार चुकी हो, इस दौरान तुमने 3 पार्टीज अरेंज की, अपने दोस्तों को बुलाया, और उस दिन तो जोएब को बहुत बुरा लगा था जब तुम टोनी से इतना फ्री हो रही थी। टोनी मेरा दोस्त है और जोएब तुम्हारा शौहर है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अब अगर जोएब तुम्हें फोन करे और तुम्हें मनाए तो तुम उसके साथ घर चली जाना। यही हम सबके लिए बेहतर रहेगा। उस घर में जाती है मेरी जिंदगी।